नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार की सीमा के बारे में, जमुई की रहने वाली सीमा के बारे में। कहते हैं हौसलों में जान हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, बस इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब देखिए ना, दिव्यांग छात्रा सीमा का बस एक ही पैर है, लेकिन उसके बाद भी रोज़ स्कूल जाती है। सीमा की इच्छा इतनी है कि वह पढ़ लिख कर एक शिक्षिका बनना चाहती है। सीमा का बस एक ही पैर है, लेकिन उसके बाद भी स्कूल वह उछल उछल कर जाती है। वह रोज़ नहाना, तैयार होना और फिर स्कूल ड्रेस और फिर बैग के साथ वह एक छोटे से रास्ते से होते हुए स्कूल पहुँचती है। सीमा को स्कूल जाते देख हर कोई यही पूछता है कि कहाँ जा रही हो बिटिया। वह बताती है कि स्कूल जा रहे हैं। बता दें कि सीमा जमुई ज़िले की रहने वाली है। वह फतेहपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ती है। आज सीमा की चर्चा इस इलाके के साथ साथ पूरे बिहार में हो रही है। बता दें कि सीमा पढ़ लिख कर एक शिक्षिका बनना चाहती है। सीमा के माता पिता मजदूरी करते हैं। सीमा के पिता खिरने मांझी बिहार से बाहर रहकर मजदूरी का काम करते हैं। सीमा 5 भाई बहन है, लेकिन वह किसी के लिए बोझ नहीं बनी। वह अपना हर काम खुद ही करती है और स्कूल भी जाती है। सीमा को पढ़ने का शौक है। वह हर दिन संकीर्ण रास्तों से होते हुए अपने घर से स्कूल जाती है और वहां से आती है। सीमा को पढ़ने का इतना जुनून है कि वह अपना हर परेशानी को भूलकर पूरी तन्मयता के साथ स्कूल जाती है। सीमा की दिव्यांगता को लेकर लोग बताते हैं कि 2 साल पहले एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से सीमा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने सीमा की जान बचाने के लिए उसके एक पैर काटकर अलग कर दिया। उस समय सीमा की जान तो बच गई, लेकिन वो एक पैर से दिव्यांग हो गई। लेकिन हिम्मत देखिए इसी सीमा का, जिसने तमाम कठिनाइयों के बाद भी अपने सपनों को जान भरी और देश दुनिया को देखने की एक उड़ान भर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीमा एक पैर पर चलकर घंटों काम कर सकती है। वो एक पैर से ही स्कूल भी जाती है, जिसे वह अपनी आदत बना चुकी है। सीमा को लेकर उसकी माँ बताती है कि हम लोग काफ़ी गरीब हैं। गांव के बच्चों को स्कूल जाता देख सीमा भी जिद करती थी, जिस कारण स्कूल में नाम लिखवाना पड़ा। हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि बच्ची को किताब कॉपी खरीद कर दे पाते। ये सब स्कूल के शिक्षक ही मुहैया करवाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बेटी पर गर्व है। उन्होंने कहा कि बच्ची पढ़ लिख कर नाम रोशन करेगी, ऐसा विश्वास है। सीमा के स्कूल के शिक्षक भी बताते हैं कि सीमा पढ़ने में बहुत तेज है। देश के साथ साथ प्रदेश में कई ऐसे भविष्य हैं, यानी कि इसी तरह की सीमा हैं, जिन्हें अगर थोड़ी सी हिम्मत दे दी जाए तो वे अपने हौसलों में उड़ान भर सकते हैं। अब देखिए ना, पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगाने वाले सोनू कुमार सोशल मीडिया पर वायरल हुए। उसके बाद उन्हें मदद करने वालों की लाइन लग गई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सीमा को भी मदद मिलेगी, जिससे कि वह अपने दायरे को तोड़ते हुए दूसरे सीमा तक पहुंच सके। आपको बता दें कि जमुई के जिलाधिकारी ने सीमा को मदद की है और एक तिपहिया साइकिल जो है उन्हें मुहैया कराया है। साथ ही साथ एक दूसरे पैर को लेकर भी उन्होंने कृत्रिम पैर बनाने का माप भी लिया है। और एक तरह से कह लें कि कोरोना के लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के बीच में सुर्खियों में आए सोनू सूद ने भी सीमा की मदद के लिए ट्वीट किया। सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चलिए अब सीमा का दोनों पैर लगाते हैं और वो दोनों पैर से स्कूल जाएगी और आएगी।